नमो नमः प्रिय विद्यार्थिनः अस्मिने कक्षायां अद्य भवताम् पुनः स्वागतं व्याहरामि अद्य वयम् लघुसिद्धांतं कुमुदम् स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्य भाग सप्तम अस्य अध्ययनं कुर्मः आगच्छन्तु अत्र पश्यन्तु अद्य प्रथमा सूत्रमस्ती उरुत्तर पदादौपम्ये पुनः उरुत्तर पदादौपम्य सूत्र शिवृत्ति उपमान वाची पूर्व पदम उत्तर पदम यत् प्रातिपदिकम् तस्मात् उंग स्यात् सूत्रस्य पदच्छेदम् अपि पश्यामः उरुत्तर पदात् औपम्ये इति पदद्वयम् सूत्रम् उदाहरणमस्ति करभोरु सूत्रशे अर्थम भी पशा हिंदी भाषायाम जिसका पद उपमानवाची तथा उत्तर पद उरु हो तो उससे विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है पशा कर्भोरु करभ इव उष करभोरु, करभोरु। अत्र करभोरु स्त्रित्व विवक्षायाम उरुत्तर पदादौपम्ये इति सूत्रेण ऊंग प्रत्या ऊंग प्रत्यय अनुबंध लोपे उ इति अवशिष्यते स्थिति भवति कर्भोरु उ इत्यत्र अकः सवर्णे दीर्घ इति उभयो उकारयो सवर्ण दीर्घे कृत्वा कर्भोरु इति स्थितौ अत्र प्रथमा एक वचने सुविभक्तौ तस्य अनुबंध लोपी कृत्वा विसर्गे कृते सस्य विसर्गे अर्थात सस्सुसोर इति सूत्रेण सस्य खरवसानियो विसर्जनीय इति सूत्रेण रकारस्य विसर्गे कृते सस्य विसर्गे कर भोरु इति रूपम सिद्धम् अग्रे चलामः पश्यन्तु अत्र अस्मिन् कक्षायाम् अद्य द्वितीय सूत्रम् अस्ति सहित सफलक्षणा वामादेश पुनः सहित सफलक्षण वामादेश सूत्र से वृत्ति अनौपम्यार्थम सूत्र अर्थात अन वाची शब्दात ऊंग प्रत्यय शत सूत्रस्य पदच्छेदं अपि पश्यामा सहित शफ लक्षण वामादेह च इति पदद्वयम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं सहितोरुहु सफोरुहु लक्ष्णोरुहु वामोरुहु हिंदी भाषा में अर्थम पश्यामा सहित शफ लक्षण वाम आदि में हो अर्थात सहित सफ लक्षण वाम शब्द प्रारंभ में हो और उत, उरु उत्तर पद में हो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है जैसे सफ उरु सफोरु सहित उरु सहितोरु लक्षण उरु लक्षणोरु वाम उरु वाम उरु एवं रूपम साधयाम है प्रथम उदाहरण पश्या संहितोरु संहितोरु शब्दात प्रातिपदिकत्वात् स्त्रित्व विवक्षायाम संहित सफ लक्षण वामादेश सूत्रेण ऊंग प्रत्यय तस्य अनुबंध लोपे कृते धीरु उकार अवशिष्यते संहितोरु उ इत्यत्र अक सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते संहितोरु इति स्थित सुविभक्त अनुबंधलोपे पूर्ववत अत्रापि सस्य ऋत्व विसर्गे कृते संहितोरु इति रूपम सिद्धम् एवमेव सफोरु इतने सफोरु इति रूपम साधयामे एवमेव लक्षणोरु इत्यस्मात्

सारङ्गवाद्यो घीन् सूत्रस्य वृत्ति सारङ्ग्रवादे यो ऽकारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो गीन् स्यात् सूत्रस्य अपि पश्यामः सारङ्गवाद्यः गीन इति पदद्वयम् उदाहरणम् अस्ति सारङ्ग्रवी वैदी सूत्र से हिंदी भाषायाम अर्थम पश्याम सारंग्रव गणपठित शब्दों तथा अय प्रत्यंत में हो ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिकों से विवक्षा में गीन प्रत्यय होता है सारंग्रवि सारंग्रविप स्त्रींग्रोरपत्यं स्त्री इति विग्रहे सारंग्रवी शब्दात जातिवाचकात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् जाते स्त्री विष्यादधात् इति सूत्रेण जाते स्त्री विष्यादुपधात् इति सूत्रेण गीन प्रत्यस्य अत्र प्राप्ति भवति किंतु तमप्रवाद्य सारंगरौ वाद्योर्गीन इति सूत्रेण गीन प्रत्य कृते गीन, गीन इत्यस्य अनुबन्ध लोपे कृते दीर्घीकारे इव अवशिष्यते। इति स्थिति भवति सारंगरौ इ इत्यत्र यचिभम इति सूत्रेण बहसिंज्ञायाम आकारस्य यस्येतिच इति सूत्रेण आकारस्य लोपे कृते सारंगरवि इति स्थितौ सो विभक्तौ अप्रक्तसंज्ञायाम हलं लोपे कृते सारंगरवि इति रूपम सिद्धं एवमेव वैद्य बाएद शब्दात वैदी एवमेव साधयमोः पुनः अग्रिचलामः युनस्ति सूत्रम् इदम् स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्य अंतिम सूत्रम् अस्ति सूत्रशिवृत्ति युन शब्दात् स्त्रियाम् ती प्रत्यह स्यात् सूत्रस्य पदच्छेदः युनः तीः इति द्विपदं इदं सूत्रम् उदाहरणम् युवती हिंदी भाषायाम अर्थम पश्या यौन शब्द से स्त्रित्व विवक्षा में ती प्रत्यय होता है उदाहरणमस्ति युवती अत्र यवती अस्ति किंतु अत्र युवती इति पाठयाम यौन शब्दात प्रातिपदिकत्वात् स्त्रित्व विवक्षायाम् युनस्ति इति सूत्रेण ती प्रत्यय यौवन ती इत्यत्र स्वादिषु सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण पद संज्ञायाम नैलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नस्य लोपे कृते युव ती मिलित्वा युवती इत्यत्र प्रथमा एक वचने सुविभक्तौ तस्य अनुबंध लोपे सस्य रुत्वे विसर्गे च कृते युवती रूपम सिद्धम अवगत वा अस्त अग्रे चला स्त्री प्रत्यय प्रकरण से अतिम्वाकृनर वृद्धि नृनर वृद्धिच अर्थात हिंदी भाषायाम नृ और नर इन दो जातिवाचक शब्दों से स्त्रित्व विवक्षा में गीन होता है साथ ही प्रकृति में वृद्धि भी होती है प्रकृति अर्थात मूल शब्द में भी वृद्धि होती है ये वार्तिक दो कार्य एक साथ करती है गीन प्रत्यय करने के बाद मूल शब्द में वृद्धि भी करेगी इसका उदाहरण है नारी पश्यामा नारी नृ शब्दात प्रातिपदिकत्वात् स्त्रीत्व विवक्षायाम नृ नरयोर वृद्धिश्च इति वार्तिकेन नीन प्रत्या तस्य अनुबंधलोपे प्रकृति वृद्धौ च कृते गीन अनुबन्ध अनुबंधलोपे नार इ इत्यत्र मिलित्वा नारी इति स्थितौ सुविभक्तौ अप्रक्तशिंघ्यायाम् हलं갸दि लोपे कृत्वा नारी इति रूपम सिद्धम् एवमेव एव नर शब्दात नारी अत्र नर शब्दात घीन प्रत्यय वृद्धि च कृत्वा नार ई प्रकारस्य अकारस्य लोपे कृते नार मिलित्वा नारी एवं नर शब्दात नारी रूपमपि साधयामा धन्यवाद एवं स्त्री प्रकृति पूर्ण स्त्री प्रत्यय पूर्ण जातम् पुनः मिलामः